मैं राजू सिंह, लेट्स क्रैक इट। यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है टैक्सेशन पार्ट वन। कल का वीडियो नहीं चल पाया था, तो आप ये ना चिंता करेंगे कि वो वाला मिस कर जाएगा। मिस नहीं करना है, मैं उसको एक प्रीमियर वीडियो बना करके अगले दो दिन के अंदर उसको जारी कर दिया जाएगा। यानी नेशनल इनकम का वह सेक्शन जो बचा हुआ पोर्शन था, वो एक दूसरे वीडियो प्रीमियर करके जारी कर देंगे। ठीक है, आज आइए हम लोग टैक्सेशन पार्ट वन शुरू करते हैं। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं अब तक, सुभाष मिश्रा जी, ओम ओम, दीपक नागर, सबको गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। टैक्सेशन, कराधान, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। ढेरों प्रकार के टैक्सेस हैं, तो उनके बारे में एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन सा टैक्स है, कैसे लगता है। प्रश्न भी इस चैप्टर से आते हैं। इसी के अंदर जीएसटी का खंड है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं कराघात, एक शब्द है, और दूसरा शब्द है करापात। इंपैक्ट ऑफ टैक्स और दूसरे को कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आप लोग इस जरा टर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जितनी किताबें हैं तितनी तरह की गलतियां लिखती हैं। जो एक पॉपुलर किताब आपके पास है उसमें भी गलती लिखी हुई है, तो आप इससे सुधार लीजिएगा। उस किताब से मेरे वाले को मत सुधारने की कोशिश करिएगा, हमारे वाले से उस किताब को सुधार दीजिएगा। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, मैं ये चार शब्द सिखाने जा रहा हूँ। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, मैं कंडीशन नंबर वन लिया, ये है गवर्नमेंट और ये है कोई मिस्टर ए। जब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स इंपोज लगाया, वीडियो चल रही है थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अच्छे से। वीडियो चल रही है, सोनू भट्ट, समरजीत कुमार, गरिमा शिंदे, रेखा सोनी, ठीक है, तो मैं पढ़ाना जारी रखूं। ठीक है, समरजीत कुमार, गरिमा, आइए। सरकार ने ए के ऊपर कर आरोपित किया और ए ने इसको आरोपित किया, कर लगाया, इसको कहते हैं कराघात। कराघात कहते हैं, कर आरोपण कहते हैं,
टैक्स इम्पोजिशन कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और इसी सज्जन ने इस टैक्स के बर्डन को बियर किया और गवर्नमेंट को पे किया, यानी जिसके ऊपर लगाया गया वही व्यक्ति उस कर के भार का वहन किया और सरकार को टैक्स दिया। इसको कहते हैं, ये कराघात था और नीचे मैं लिख रहा हूं अब करापात। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जब इस तरीके के कंडीशन हो कि सरकार जिसके ऊपर टैक्स लगाए वही व्यक्ति टैक्स का भार वहन करे, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यह है गवर्नमेंट, और ये सपोज करिए कोई ट्रेडर है और ये कोई कंज्यूमर है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स इनके ऊपर लगाई, इसको कहेंगे कराघात, ठीक है, कर का आरोपण। और इन्होंने क्या किया कि इस टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया, हस्तांतरित कर दिया कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर से अब कराघात कहाँ हो रहा है, अब यहाँ हुआ, लेकिन इन्हीं से कलेक्ट करके और इस ट्रेडर ने गवर्नमेंट को पेड किया, या ट्रेडर पेड कर दे और कंज्यूमर से कलेक्ट करके अपने पास रख ले। कहने का मतलब, जब कराघात और करापात जैसे ऊपर वाले पोजीशन में था एक ही बिंदु पर हो तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जब दो अलग अलग बिंदुओं पर, दो अलग अलग व्यक्तियों पर हो तो इसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो किसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर आरोपित हो, या दूसरे ढंग से कह सकते हैं, जब कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाए वह किसी दूसरे पर शिफ्ट न कर सके, तो इसको कहेंगे प्रत्यक्ष कर। और दूसरा, जब लगाया किसी पर जाए परंतु भार किसी और के द्वारा वहन किया जाए, तो इसको कहेंगे हम अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है। वैसे अगर परिभाषित करना हो कराघात को तो हम कैसे करेंगे, यह कर आरोपण का प्रथम बिंदु है, यह हस्तांतरणीय है, दूसरे पर चला गया, ठीक है, यह कर आरोपण का प्रथम बिंदु है, यह हस्तांतरणीय है। और करापात को कहना होगा तो क्या कहेंगे, यह कर आरोपण का अंतिम बिंदु है, यह स्थानांतरणीय नहीं है। तो कराघात किसे कहते, करापात और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अब थोड़ा एग्जाम्पल से सीखा जाए। जैसे मान लीजिए, आप सबको पता है कि एक शब्द और सिखा ले तब आगे बोलते हैं, ये है पर्सन। पर्सन माने व्यक्ति, और पर्सन दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं हम नेचुरल पर्सन, यानी हम और आप प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। हम और आप अपने इनकम पर कौन सा टैक्स देते हैं, उसका नाम है PIT, पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आय कर। जबकि आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं, कंपनी को कहते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति। कंपनी अपने मुनाफे पर, प्रॉफिट पर जो टैक्स देती है उसका नाम है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कंपनी कर, सभी नामों से जाना जाता है, निगम कर, कंपनी कर, कॉरपोरेट टैक्स, यहाँ तक कि सामूहिक कर भी कहा जाता है, ठीक है, ये इतने नामों से जाना जाता है। तो हम और आप नेचुरल पर्सन अपनी इनकम पर जिस टैक्स को देते हैं पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। अब सवाल उठता है, हमारे देश में इनकम टैक्स कानून का नाम क्या है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ही हमारे यहाँ टैक्स लगता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है
तो उससे गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, पीआईटी मांगती है। ठीक है, मैं जेन्युइन एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं एकदम इमेजिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी मैं कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। सपोज करिए कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया और इन्होंने ही टैक्स को पे किया, यानी पीआईटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिसके ऊपर लगाया गया वही उसको पे करेंगे। ठीक है, जबकि अगर हम जीएसटी की ही बात कर ले, जैसा कि आप लोग बहुत चर्चा में सुनते हैं, जीएसटी की ही बात करूं तो जीएसटी कैसा टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, क्यों गवर्नमेंट लगाती ट्रेडर के ऊपर, ट्रेडर इसको शिफ्ट करते जाते हैं किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, फाइनल टैक्स का बर्डन कौन फेस करता है, कंज्यूमर, जबकि गवर्नमेंट ट्रेडर के ऊपर फर्स्ट, अगेन दूसरे ट्रेडर पर, अगेन फाइनल पेमेंट किसके द्वारा, कंज्यूमर। तो जीएसटी कैसा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ूं, यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ूं। लिख दीजिए कुछ जो है, पिक्चर क्लियर है यहां तक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि हमें पता लगता रहे कि हाँ मेरा अब वीडियो जा भी रहा है, सुनाई भी दे रही है और समझ में भी आ रही है। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा शब्द आपको सिखाऊंगा, दूसरा शब्द सिखाऊंगा क्या, जैसे एक को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर और एक को कहते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये क्या है, जो देता है वही जानता है और वो भी सीए के माध्यम से देता है तो उसको वो भी नहीं पता लगता है, लेकिन आज आप लोग सभी लोग जान जाएंगे, भले ही इनकम टैक्स भरते हों चाहे ना भरते हों। देखिए, फाइनेंशियल ईयर उसको कहते हैं जैसे 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में हमने जो इनकम कमाई वो है फाइनेंशियल ईयर। अब चाहे इसको ऐसे ले लीजिए 19, क्योंकि अभी करंट का लीजिए 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 ये फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें हमने जो पैसे कमाए हैं और इस पैसे पर जो हम टैक्स देने जाएंगे उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21 बोलेंगे, यानी 31 जुलाई तक हमको अपने इस वर्ष के कमाए हुए धन पर, इनकम पर हमको टैक्स भरना होता है और इसकी डेडलाइन क्या होती है, 31 जुलाई होगी, तो इसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर 2020-21, जबकि हम टैक्स किस वर्ष का भर रहे होते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर जो बीत गया है इसमें जो हमने पैसे कमाए, तो जिस वर्ष हम पैसे कमाते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर और जिसमें टैक्स अदा होता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि पीआईटी ली कैसे जाती है, पर्सनल इनकम टैक्स ली कैसे जाती है, तो वह देखिए यहां से यूं जा रहे हैं 2.5 लाख तक नील होता है, शून्य होता है, नील का मतलब शून्य होता है, और इसको हम कहेंगे क्या, एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी छूट होती है, इस पर इनकम टैक्स सरकार नहीं लेती है। और ये भी समझिएगा, चाहे जिसकी कमाई कितना भी हो सबके लिए 2.5 लाख का छूट उपलब्ध होता है। 2.5 लाख से ज़्यादा कमाया कोई पाप नहीं किया, तो 2.5 लाख 1 रुपी से लेकर के अप टू 5 लाख जो रेट चलता है, अभी जो करंट में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी अभी बजट आएगा चेंज होगा, क्योंकि क्यों चेंज होगा वो भी बात कर रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो बजट की बातें भी बहुत अच्छे से 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच वाले इनकम वाले पर
कौन सा परसेंटेज चलता है, 5%। और 5 लाख 1 रुपीज से आगे अप टू 10 लाख यहां पर चल रहा है 20% का स्लैब, और 10 लाख रुपीज से 1 रुपीज से लेकर के ऑनवर्ड्स बोलते हैं, यानी चाहे आपकी जितनी इनकम हो लगेगा कौन सा परसेंट, 30%। ये हम आपको अभी बता रहे हैं पीआईटी की रेट। इसको देख के आपको क्या क्या सीखने को मिला, हमारे देश में इनकम टैक्स स्लैब वाइज लगता है। ये स्लैब दिख रहे हैं आपको, कौन कितने स्लैब हैं, 5%, 20%, 30%। हाईएस्ट टैक्स स्लैब अभी हमारे देश का पीआईटी कितना है, 30% है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक बात जानिएगा कि अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे 50 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है 1 करोड़ तक, उसके ऊपर जितना भी उसका टैक्स बनेगा उसके ऊपर लगता है सरचार्ज। सरचार्ज कितना परसेंट, 10%, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ वाले के इनकम पर 15% की दर से सरचार्ज लगता है, 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ वाले इनकम वाले पर टैक्स की रेट अलग, सरचार्ज क्या है मैं समझा रहा हूँ एक बार लिखने के बाद, 25%, और 5 करोड़ से ऊपर ऑनवर्ड ये कितना होता है, 37% लग रहा है सरचार्ज, ठीक है। 10, 15, 25 और 37% 5 करोड़ से ऊपर। अब आपका जो प्रश्न है वो क्या है, सर सरचार्ज किसको कहते हैं, सरचार्ज किसको कहते हैं, सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार। ये क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर। कैसे समझेंगे इसको, जैसे मान लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच इनकम किसी की है 50 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 50 लाख माइनस करेंगे कितना आएगा, 50 लाख। 50 लाख का 30% कितना होता है, 15 लाख। 50 लाख का 30% अप्लाई होगा, मैं केवल इतने दूर में दिखा रहा हूं, ऊपर का टोटल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 लाख का 30% 15 लाख, और 15 लाख के ऊपर लगेगा 10% सरचार्ज, यानी 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब देखिए, लेकिन सरचार्ज लगाए क्यों जाते हैं, सरकार को एडिशनल इनकम चाहिए, एडिशनल पैसे जुटाने के लिए। क्यों, सपोज करिए कि देश में युद्ध की स्थिति हो, प्राकृतिक आपदा हो, या सामान्य तरीके से टैक्स से कवर नहीं हो पा रहा हो, तो एडिशनल इनकम प्राप्त करने के लिए सरकार सरचार्ज लगाती है। सरचार्ज का प्रोविजन कहाँ होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 271 में सरचार्ज का प्रोविजन होता है, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द और भी आप खूब सुन रखे हैं, सेस कहते हैं, मैं यही अभी यूज भी करूँगा। सेस कहते हैं, इसको उपकर कहते हैं, होता तो ये भी इसी तरीके का है। कैसा होता है, टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर। क्या मतलब, जैसे देखिए, अगर किसी को यहाँ पर 100 रुपया टैक्स देने की जिम्मेदारी बनी, 100 रुपया टैक्स देने की जिम्मेदारी बनी पीआईटी, मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद, तो अभी लग रहा है 4% का हेल्थ एंड एडुकेशन सेस लग रहा है, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस लग रहा है इस समय, ठीक है। जिसमें से कि हेल्थ के पर्पज से जाता है 1%, और एडुकेशन में भी 3% जाता है, लेकिन प्राइमरी पे जाता है 2%, और हायर एजुकेशन माध्यमिक से ऊपर के हायर एजुकेशन में 1% जाता है। ये जो 4% है, तो 1% हेल्थ के पर्पज से, और एजुकेशन 3%, 3 में से 2% प्राइमरी के पर्पज से, और 1% माध्यमिक से ऊपर के एजुकेशन के खर्चे के लिए जाता है। तो अगर किसी को 100 रुपया टैक्स देना है, ये इसकी इनकम नहीं है, इनकम जो भी रही हो, टैक्स कलेक्शन टैक्स काउंट 100 रुपया है,
तो 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपया होता है। ये 4 रुपया भी इनको देना होगा, इनको कुल कितना देना होगा, 104 रुपये। ठीक है, 104। बात समझिएगा, सरचार्ज कब अप्लाई होगा, जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होगी। लेकिन सेस कब अप्लाई होगा, 1 रुपया भी अगर आपको टैक्स देना है तो 1 रुपये पर 4 पैसा आपको सेस देना होगा। ठीक है, तो सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा और जानिए मूलभूत डिफरेंस। सेस किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए लगाया जाता है। सेस किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए, जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल पहले रख दिया हूं, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र के विकास के लिए 1% सेस है, शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए 3% सेस है। क्यों? क्योंकि हमारी साक्षरता दर कम है। साक्षरता में शिक्षा के क्षेत्र में कितना परसेंट खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, 6% ऑफ GDP, यानी हमारी देश की उत्पादन क्षमता का 6% तक शिक्षा में जरूर खर्च करो, लेकिन अभी हम कितना कर रहे हैं, 3% कर रहे हैं। जबकि आप देखिए कि स्वास्थ्य में स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत क्या बोला गया कि कितना परसेंट स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, 2.5% ऑफ GDP। ये लेटेस्ट है, पहले 2% था, लेकिन 2017 के स्वास्थ्य नीति में क्या बताया गया, 2.5% ऑफ GDP खर्च करो। अभी कितना खर्च कर रहे हैं, 1.5%। ठीक है, जबकि यहाँ 6 के जगह 3 कर रहे हैं, 2.5 में 1.5 कर रहे हैं, यानी यहाँ पर और खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा किया जा सके। और इसको ऊंचा करके आप क्या हासिल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। एक मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स क्या है, सिंपल एक आदमी है। जब उसके अंदर हम शिक्षा, स्किल, अच्छी स्वास्थ्य पुट करते हैं, इससे युक्त होता है, तब उसको कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और जब तक किसी देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी, वह देश का GDP ज्यादा नहीं हो पाएगा, धनी देश रिच कंट्री नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल दूं आपको, जरा रिमाइंड करा रहे हैं, आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्री है, इनके पास कितना संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन क्या प्राकृतिक संसाधन होने से यह देश धनी हो पाए हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धनी होने के लिए जरूरी होगा उनका सही उपयोग करना, और वो होता है ह्यूमन कैपिटल से ही, वह जो है कि भौतिक संपत्ति में उसको तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, वहां पर नो डाउट उत्पादकता, उत्पादन अधिक होगी, GDP अधिक होगी। ठीक है, तो ये सारा मैं रिलेशन सिखाता हूँ, बाकी सिंपल चीज़ें तो आप पढ़ लेते हैं, बुक में भी पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है उसको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे एक शिक्षक का दायित्व तो बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे देश में जैसे 60 वर्ष तक, 60 से 80 साल, 80 से ऊपर, ये तीन चीजें हुई, इसको सामान्य एज के लोग हैं, स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं इसमें, इनके लिए 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, इनके लिए 3 लाख से ऊपर टैक्स लगता है, 3 लाख तक छूट है। इनको सिटीजन, सीनियर सिटीजन कहते हैं, इनको सीनियर सिटीजन, हम लोग सिटीजन के अंदर आ जाएंगे, और ये सीनियर सिटीजन हैं, और जो 80 से उम्र से अधिक हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सुपर सीनियर सीनियर सिटीजन बोलते हैं इनको, 5 लाख रुपए से नीचे पर इनको छूट होती है, यहां तक इनको टैक्स की राहत रहती है। ठीक है, ये अभी देखिए तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और इनके 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और इनके 5 लाख तक एग्जेम्प्टेड हैं, तो ये आप जाने रहिएगा PIT का। ठीक है, अब देखिए मैं जरा आपको दो शब्द और सिखाता हूं। नंबर वन,
एक को कहते हैं टैक्स इवेजन, यानी कर अपवंचन, यानी कर चोरी। ठीक है, अपवंचन की दूसरी हिंदी चोरी होती है। और एक सिखा रहा हूं टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है कर बचाओ, कर बचाओ। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, इनकम कमाता हो और उस पर टैक्स अदा नहीं, टैक्स बनता हो और टैक्स अदा नहीं करता हो, इसको हम क्या कहेंगे, कर अपवंचन। एक कैसा एक्टिविटीज है, इल्लीगल, इल्लीगल अवैधानिक कार्य है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, पैसा कमाता है, उस पर टैक्स भी बनता है, लेकिन वह कुछ उपाय करके अपने टैक्स को बचा लेता है, लेकिन यह लीगल है। अब आप पूछ रहे हैं ऐसे कैसे बचा लेता है सर, तो देखिए सरकार हमारी ढेर सारी प्रोत्साहक योजनाएं चलाती हैं ताकि आप विभिन्न क्षेत्रों में पैसे बचत करें, निवेश करें। ठीक है, जैसे अभी एक सुविधा दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, पिछले कुछ दिनों तक नहीं था, इन दिनों लागू है 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। यानी आपकी इनकम है 2.5 लाख, यहाँ तक तो छूट है, आप चाहो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में चाहे तो 1.5 लाख रुपए निवेश करके आप इस पर टैक्स देने से बच सकते हैं, टैक्स देने से बच सकते हैं। कैसे, कहां कहां निवेश कर सकते हैं, आपने मकान खरीदा हो और उसकी किस्त अदा करते हो, मूलधन, ध्यान रखिएगा, ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, मूलधन चुकाते हो, आपने LIC करा रखी है, उसकी प्रीमियम भरते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं आप, प्रीमियम भरते हैं। ठीक है, आपने सुकन्या योजना के अंतर्गत चाहे तो 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं अपनी दो बेटियों के नाम, तो ये भी आता है। इस तरीके से चाहे तो आप NSC पेपर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा करके उस पर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन जरा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने पॉइंट सब लिखे हैं, अगर सारे का इस्तेमाल करें तो भी आपको एक साल में 1.5 लाख मिलेगा, चाहे किसी एक का इस्तेमाल करें तो भी आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ भी 1.5 लाख, यहाँ भी 1.5 लाख, यहाँ भी 1.5 लाख, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो सारे मिलाकर 1.5 लाख तक फायदा ले सकते हैं, या तो 1.5 लाख तक के इनकम पर टैक्स देने से बच सकते हैं, लेकिन यह बचत तब होगी जब आप रियल में इसमें निवेश किए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने मकान खरीदा है और उस पर हाउस लोन लिया हुआ है और इस हाउस लोन पर आपको इंटरेस्ट भी बैंक का देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए अपने उस हाउस लोन पर इंटरेस्ट देते हैं तो इस पर भी छूट रहेगी। कहने का मतलब क्या है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जाता हो। ठीक है, इस तरीके से तमाम तरीके के छूट मिलते हैं, इसको डिडक्शन कहते हैं, कटौती कहते हैं। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप इस तरीके से जगह जगह निवेश करेंगे। और देखिए 50,000 रुपये तक अगर आप NPS में नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर अगर एक साल में निवेश करते हैं तो इस पर भी छूट मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई, इसको मैं शब्द क्यों सिखाना चाह रहा था आपको, डिडक्शन कहते हैं, कटौती कहते हैं, और यहाँ सिखा रहे थे आपको टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव कहते हैं। यानी इस तौर तरीकों को अपनाकर आप अपने कमाए हुए इनकम पर जिस पर टैक्स बनता है टैक्स भी बचा सकते हैं, और यह कानूनी होता है, यह सरकार आपको छूट देती है इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा आपके मन में प्रश्न है, सर इससे तो सरकार के टैक्स का नुकसान हो जाएगा।
हाँ, नुकसान सीधे सीधे जरूर होगा, लेकिन इसका फायदा ये भी है कि लोग इन क्षेत्रों में बचत करेंगे, इससे देश में बचत आएगा, बचत से निवेश आएगा और इसका भी लाभ देश को मिल सकता है। सीधे तो कर के हानि होती है, लेकिन फिर भी देश में विकास को गति देने में ये सारे उपकरण काम आते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपसे तीन बातें कहना चाह रहा था, अभी तक दो बातें बता चुका हूँ और तीसरी बता रहा हूँ। नंबर वन, आपने देखा कि पीछे हमने दिखाया आपको, एग्जेम्पशन कहते हैं, एग्जेम्प्टेड कहते हैं 2.5 लाख रुपए तक। दूसरा शब्द है यानी एग्जेम्प्टेड, ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। और दूसरा मैंने बताया आपको डिडक्शन, और तीसरा बता रहा हूं इसको कहते हैं रिबेट कहते हैं। रिबेट में क्या होता है, इतना तक यानी कम इनकम पाने वाले को टैक्स में छूट दी जाती है। किस तरीके से, टैक्स कैलकुलेट होगा लेकिन उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो है लगभग 12,500 रुपये यानी 5 लाख, 12,500 का तो देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि 5 लाख तक जिसकी इनकम है उससे उसको जितना टैक्स बनता होगा, बनता कितना है 12,500, वो वापस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर 6 लाख होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि केवल 1 लाख को आप टैक्स देंगे, तब आपकी गणना पूरे 6 लाख तक में होगी, 2.5 लाख से ऊपर के पूरे पर होगी। तो जो कम इनकम वर्ग वाले लोग हैं उनके लिए रिबेट का प्रावधान होता है, और इस तरह से आप बचत करके पैसे बचाएं तो डिडक्शन कहते हैं, और सबके लिए 2.5 लाख तक की छूट है तो एग्जेम्पशन कहते हैं। तो एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिबेट, तीन शब्द आपको सिखाया, टैक्स इवेजन सिखाई, टैक्स अवॉइडेंस सिखाया। ठीक है, तो अब आगे आइए, और ये सब तरीके हैं जिसमें आप पैसे बचा सकते हैं। थोड़ा मेरे बारे में जानिए, मैं राजू सिंह पिछले 20 सालों से आप सबकी सेवा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के और जीएस के विभिन्न सेगमेंट को, और अब प्लस पर हम पब्लिक एड का कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी प्री जस्ट सामने हैं तो प्री को फोकस करके चलेंगे, और मेंस की दिशा में जैसे ही बढ़ेंगे तैसे ही पब्लिक एड का कोर्स भी हम चलाएंगे प्लस पर। और आइए, अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाने वाले ये सभी शिक्षक हैं, और अनअकैडमी पर 1 ईयर का कोर्स भी है। आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रचार करने लगते हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं आखिर वो कैसे जानेंगे कि अनअकैडमी पर जुड़ने का क्या माध्यम हो सकता है, तो ये उनके लिए है। और आप जानते ही हैं कि जो चीज़ निःशुल्क होती है उसमें कंपनी अपना प्रचार नहीं करेगी तो फिर ये सिस्टम कैसे डेवलप होगा। तो ये राजू लाइव कोड का यूज करके 10% आप कंसेशन प्राप्त कर सकते हैं, 36,000, और 2 साल के कोर्स फी है 64,000 रुपये, यहाँ पर भी 10% का छूट इस राजू लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है, और 57,600। दूसरी बात, इस फी में मिलेगा क्या हमको, तो मिलेगा आपको जो है कि प्रीलिम्स में सी सेट, एक ही सी सेट पढ़ाने वाले कई टीचर, उन सब का आप ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा जीएस है, इसी तरह से मेंस के चारों पेपर, और तीसरी चीज है ऑप्शनल पेपर, यानी आप मात्र 36,000, जो कि किसी सामान्य संस्था में नो डाउट केवल ऑप्शनल की फीस ही 36,000 होती है, और यहाँ तो आप पूरे एक वर्ष तक एक शिक्षक नहीं कई शिक्षक से पढ़ते हैं, सबके ज्ञान का लाभ उठाते हैं, सभी शिक्षक कुछ ना कुछ खासियत रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ऑन लाइव क्लासेस होता है, आप सेम टाइम पर क्वेश्चन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, टेस्ट सीरीज की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझिए कि इतनी अनिवार्यता होती है, टेस्ट को टीचर जो बना के देते हैं दीवार नहीं कर सकते, आज मुझे 12 बजे रात तक इसको बनाकर पेश करना है क्योंकि कल टेस्ट है हमारे प्लस पर जो है। कहने का मतलब यहाँ पर फांकीबाजी नहीं होती, यानी आपको करना है तो करना है, और अगर टालते हैं तो पेनल्टी लगाई जाती है शिक्षक के ऊपर। आइए, अब देखिए,
आप यहां से जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जब क्लिक करेंगे वहां पर सारा डिटेल आता है, नाम अपना और जो है कि ईमेल फ़ोन नंबर सब भरते हैं, और उसके बाद आप राजू लाइव कोड का यूज़ करके 10% का कंसेशन, चाहे आप किसी भी तरीके के कोर्स ज्वाइन करें उसमें जो भी फीस हो 10% का छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए सामने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और आपको लगता है कि अब 1 ईयर का कोर्स अभी लें क्या हो नहीं हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 मंथ्स का भी कोर्स ले लें और 3 मंथ्स में तेज़ गति से पूरी पढ़ाई करके सारे कोर्स को कवर कर लें। ये भी आपके लिए हो सकता है क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, तो ऐसे में आप 3 मंथ्स का भी कोर्स ले सकते हो, मेरे कोड का यूज करिए और मैं आपके साथ लग करके आपको पास कराने की कोशिश करूँगा। आइए, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9871115460, ठीक है, 9871115460। आप हमें व्हाट्सएप करिए, लिखिए, और ये मेरा टेलीग्राम का राजू सिंह आईएस/पीसीएस कोर्सेस, और सेम यही लिंक भी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हमने आपको बताई कि इस तरीके से लोग पैसे बचा सकते हैं, 3 तरीके के छूट मिलता है। अब मैं आगे आपसे बात करने जा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं लिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज हमें बताना और है आपको, नहीं तो कुछ लगेगा कि अधूरा रह गया है। ये देखिए, जैसे ये हमने शुरू में दिखाई आपको, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम, एक गणना करना सिखा देते हैं हमेशा कि आपके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, एक एग्जांपल बना रहा हूं, इमेजिन कर रही है 12 लाख रुपए है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखा रहा है। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, नील है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कितना इनकम बनता है, 2.5 लाख, ठीक है। 5 लाख के माइनस करेंगे 2.5 तो कितना आएगा, 2.5 पर कौन सा परसेंटेज चलेगा, 5%। कितना होता है 2.5 का 5%, 12,500 रुपये होता है, ठीक है। अब आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच देखी जाए तो कितना अमाउंट बनेगा, 5 लाख। 10 लाख में से 5 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 लाख। इस 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, ठीक है। और 10 लाख से 12 लाख के बीच कितनी इनकम बैठती है, तो 2 लाख। इस 2 लाख के ऊपर कौन सा रेट चलेगा, 30%, तो 2 लाख का 30% कितना होगा, 60,000। इस तरीके से इनकम टैक्स की गणना की जाती है। अब मान लीजिए कि 1,72,500 बना, ठीक है। यदि आप जो मैं पीछे बताया हूं तो बहुत सारे छूटों को लाभ लेंगे तो ये पैसे आपके काफी कम हो जाएंगे। कोई छूट नहीं लेते हैं तो 1,72,500 हुआ, और इसके ऊपर सेस लग जाएगा आपका कितना, 4%, तो 1,72,000 का 4% और यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यह मेथड है टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं, ये ठीक है। तो 2.5 लाख तक छूट है, 2.5 लाख से ज्यादा कमाया उसको भी 2.5 लाख का छूट मिलता है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, 5 लाख से 10 लाख के बीच, 10 लाख से 12 लाख के बीच, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, स्लैब सिस्टम। आप ऐसा न सोचिएगा कि 12 लाख है तो 30% के हिसाब से 12×36 360,000 होगा, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने अभी आपसे बात किया है PIT, पर्सनल इनकम टैक्स। लिस्ट के अंदर दूसरा रख रहा हूं कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, निगम कर,
और तीसरा रख रहा हूँ मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यहाँ लिख रहा हूँ, कभी पहले FBT होता था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कभी पहले और भी है, जैसे ये तो होता था लेकिन आजकल नहीं है, केवल परिचय बता दूंगा आपको। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति हस्तांतरण कर, और ये दिखा रहा है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, वस्तुओं की वायदा व्यापार पर कर, वस्तु हस्तांतरण कर, और है जैसे एस्टेट ड्यूटी, यह भी एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन पता हो कि होता क्या है, ठीक है। और ये देखिए वेल्थ टैक्स, ये भी आजकल इसका रूप बदल चुका है लेकिन पता हो कि लगता कैसे था और बदल क्या गया है। और ये दिखा रहा है आपका गिफ्ट टैक्स, इसका भी स्वरूप चेंज हो चुका है, कैसे क्या हुआ है वो देखिए। और एक माइंड में बात रखिएगा, यहाँ पर मैं जिस तरह से आप सबके मन में पहुँच गया है अभी तक कि इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को सरलीकृत किया गया है, केंद्र सरकार के कर, राज्य सरकार के कर, इन दोनों को ढेर सारे अप्रत्यक्ष कर केंद्र के और राज्य के मिलाकर बनाए गए हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। खूब विस्तार से इसको पढ़ाऊंगा कल, अभी इसको पढ़ाना है, कल इसको पार्ट टू बनाकर पढ़ाऊंगा, टैक्सेशन पार्ट टू, ठीक है। आपके नेशनल इनकम को मैं प्रीमियर कर दूंगा, लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये शेड्यूल में चलता रहेगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा, जब भी प्रीमियर होगा मैं पहले सूचित कर दूंगा, ठीक है। आइए, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ इनके अप्रत्यक्ष कर मिलाकर GST बनाया गया, सिंगल टैक्स बनाया गया है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स में भी सुधार करने की कोशिश चल रही है और कोशिश हो रही है कि ढेर सारे टैक्सेस को खत्म करके ज़्यादातर टैक्स कहाँ ला दिए जाए, PIT के अंदर। और PIT की रेट वगैरह को लेकर के अभी आप देखिए कि DTC डायरेक्ट टैक्स कोड, ये भी DTC क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, जिस तरह से अप्रत्यक्ष कर में सुधार करके GST बनाई गई है उसी तरह से प्रत्यक्ष कर में भी सुधार लागू करने का कोशिश किया गया है, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। अभी देखिए अखिलेश रंजन पैनल गठित हुआ था और जुलाई अगस्त में अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं और बहुत देखना है आप सभी को और हमको भी कि इस DTC पैनल रिपोर्ट को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत अंदाज सबको लगी है, लेकिन उसका कितना उपयोग 2020 और 21 का जब बजट बनेगा तो इसमें किस तरीके का उपयोग होता है, इनकम टैक्स कितना चेंज होता है, स्लैब क्या चेंज होता है, कितना बदलाव होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। और ये सब बदलाव होना असंभावी है, यानी जरूर होगा, कारण क्या है वो देखिए, एक तो हम सुधार करना चाहते थे और दूसरा क्या है, इस समय जो हमारा अर्थव्यवस्था की स्थिति में गिरावट दिख रही है, इसको सुधारने के दो तरीके हो सकते हैं। इसके सुधारने के दो तरीके कौन कौन हैं, एक है सप्लाई साइड रिफॉर्म, ठीक है, और दूसरा है डिमांड साइड रिफॉर्म, यानी डिमांड बढ़ाना। सप्लाई की दिशा में सरकार प्रयास कर चुकी है, कॉरपोरेट टैक्स की रेट कम कर चुकी है, लेकिन इसका लाभ मिलेगा लंबे समय में और हमें चाहिए तत्काल लाभ, हमें चाहिए तत्काल अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करना, यानी लोगों के हाथों में पैसे जाए, लोगों के हाथों से पैसे कम निकले, यानी आपकी टैक्स की रेट कम होती है तो प्रत्यक्ष कर की दर कम होगी तो लोगों के हाथों में पैसे होंगे और इससे वे मांग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके अपना करके देश की अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने पर निरंतर बल है और इस बात का व्यापक उपयोग हो सकेगा,
इस बार के बजट आने पर देखा जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं शुरू करता हूँ कॉरपोरेट टैक्स किसको कहते हैं। ये सुधार जितना मैं बोला हूँ इसको अनवांटेड मत समझिएगा, इसको दिमाग में रखिए, इसी पर सारा चल रहा है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। कई बार पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन बनाए गए हैं, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो ये रटा होना चाहिए आपका, ताकि पता लगे कि कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, और फिर जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसकी भी लिस्ट रखूंगा। आइए अब मैं कॉरपोरेट टैक्स पर बात करने जा रहा हूं। थोड़ा आपके प्रश्न एक बार देख लें। सभी लोग जो जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। अब सबका नाम पकड़े तो दीपक नागर, शुभम, सुभाष मिश्रा, आनंद रंजन, ठीक है, रेखा सोनी, 1 लाख है तो इनकम टैक्स भरी जाती हो, भरी नहीं, भरनी नहीं पड़ती है, आपको मालूम नहीं होगा। और अगर बाय द वे अभी आ रहा है तो थोड़ा सा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, फिर पूछ लीजिएगा जो कोई गफलत है, या तो आप व्हाट्सएप पर डाल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए बुक नेम जो बार बार आप लोग पूछते हैं तो आप सब जैसे कि रमेश सिंह को फॉलो करते हैं या डॉक्टर लाल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो कोई एक बुक आप अपने घर में खरीद के रखिए और इंतज़ार कर सके तो 20-25 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जब बजट आ जाएगा और सर्वे आ जाएगा तो उसके बाद अपडेटेड मैटर लीजिएगा, चाहे किसी का भी लीजिएगा। ठीक है, और हम अपने लेवल पर जो दे सकेंगे वो हम भी देंगे आपको। ठीक है, और ये चीज़ें हैं, क्योंकि इन किताबों को मैं ज़्यादा इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी थकाऊ और बोझिल करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो नो डाउट आप लोगों की काफ़ी परेशानी हल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बजट भी पार कर जाएगा तो उसके बाद हम आपको बुक भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ना कुछ नोट्स देना शुरू कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहें। आइए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, यह जो है रहन सहन के स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से आपको अलग से छूट दी जाती है, जिसको कि 1 साल में 50,000 रुपये स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से दिया जा रहा है। पहले जो है स्त्री को ज़्यादा दिया जाता था, पुरुष को कम दिया जाता था, बहुत पहले ही, आज से 12-13 साल पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को ख़त्म कर दिया गया था, अब पुनः चलाया गया है। ठीक है, होम लोन पर मिलता है, कार लोन पर छूट नहीं मिलती है, टैक्स में होम लोन पर छूट मिलता है। होम लोन भी दो तरीके से, एक प्रिंसिपल अमाउंट जो 80C में छूट मिल जाता है और जो दूसरा वाला है वह इंटरेस्ट का छूट मिलता है। इंटरेस्ट का छूट 2 लाख रुपए तक 1 साल में, लेकिन ज़रा ध्यान रखिएगा, यह जो छूट मिलेगा किसी को केवल पहले घर खरीदने तक ही मिलेगा, पहले घर खरीदने तक ही मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। पहले जितनी बार घर खरीदो, जितनी बार लोन लो, तब तक छूट मिलती थी। इस समय वर्तमान सरकार ने इसको एक घर कर दिया है, यानी पहले घर पर ही आपको ये छूट मिलेगा, दोबारा तिबारा घर खरीदेंगे तो ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या लिखे हैं सुपर हो पर सिलेबस में वो पढ़ाइए सर जी, ये सब सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ाता।
संविधान की क्लास सुबह 8 बजे होती है, संविधान सुबह 8 बजे होती है। रेलवे बजट को जनरल बजट में शामिल कर दिया है, बिल्कुल सही बात है, 2017 में। संविधान सुबह 8 बजे, जुडिशरी की क्लास तो मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अब वो आंसर राइटिंग की क्लास होगी, लेकिन जब मेंस का आएगा माहौल तब, अभी अभी प्रीलिम्स के ही फोकस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग क्यों सोचते हैं कि हमारा नहीं पढ़ते हैं, तो आज थोड़ा सा मैं पढ़ दिया टाइम लगाकर, लेकिन जितने देर आपके ये सब पढ़ते हैं, आप लोग की वार्ता सब तो टाइम के लिए होता है। आइए, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कॉरपोरेट टैक्स पर, निगम कर पर। देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये बहुत चर्चा का विषय रहता है, ठीक है, चर्चा का विषय इसलिए रहता है कि नेक्स्ट चैप्टर अभी टैक्स का आज भी है, कल जीएसटी का पढ़ाऊंगा, कल जीएसटी का पढ़ाएंगे, ठीक है। जीएसटी पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटा समय अकेले जीएसटी में लगना है। अब देखिए, कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कोई कंपनी है, माना कि कंपनी ए है और इसका टोटल टर्नओवर माना कि 5 लाख है, ठीक है। किसको बोलते हैं टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब है रेवेन्यू से है, जितने पैसे का एक साल में उसने कोई प्रोडक्ट अपने कंपनी का बेचा हो, ठीक है, टोटल रेवेन्यू उसका जो भी हो उसी को कहते हैं टर्नओवर। और सपोज करिए कि इनिशियल एक्सपेंडिचर, यानी इस माना कि ये मार्कर पेन है, साल भर में 5 लाख रुपये का उसने बेचा, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना, 3 लाख, प्रॉफिट कितना, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कहते हैं 2 लाख। क्या टैक्स ग्रॉस प्रॉफिट पर दिया जाता है? नहीं, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं, सकल लाभ पर नहीं, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। तो हम क्या करेंगे, कुछ अदर एक्सपेंडिचर भी होते हैं, माना कि 50,000, अब इसको माइनस करने पर जो बचेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कितने के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे देश में अभी कॉरपोरेट टैक्स की रेट क्या है, कॉरपोरेट टैक्स की रेट क्या है, तो यहां मैं दो तरीके की कंपनी बता रहा हूं। एक को बोला डोमेस्टिक कंपनी, किसको बोलते हैं डोमेस्टिक, जो इंडियन कंपनी है, और इसको बोलते हैं एक फॉरेन कंपनी, ठीक है। ये जो डोमेस्टिक कंपनी है इसके ऊपर 30% का कॉरपोरेट टैक्स लगता है, लेकिन कंडीशन है, अभी सरकार ने इसको बढ़ाते 400 करोड़ रुपये के टर्नओवर से नीचे वाले को 25% कर दिया है, ठीक है, जबकि जो फॉरेन कंपनी है उसके ऊपर 40% का कॉरपोरेट टैक्स रेट है। इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, इसके ऊपर सरचार्ज 10% लगता है, इसके ऊपर सरचार्ज 5% लगता है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी पर लगता है, ऐसा है।
तो आजकल सरकार कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम करने पर बल दे रही है, ठीक है, और इसको घटा करके 400 करोड़ के 25% तक कर दिया गया है। तो रेट क्या है ये जाने रहिएगा, और टैक्स लगता किस पर है, नेट प्रॉफिट पर लगता है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट पर लगता है, निगम कर, कंपनी कर। आप देखिए, यहीं पर हम लोग को दूसरा टैक्स था आपके सामने लिखा हुआ था, यहां पर क्या है तीसरा वाला, मैट। कौन सा टैक्स है मैट, वो देखिए, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ऐसा है ना कि जो लोग गैस बताते हैं, कभी तो 4 सालों में एक बार गैस लग गया तो हीरो बन जाते हैं, और जिस साल गैस नहीं लगता है उस साल वह मुंह छिपाकर घूमने लगते हैं, ठीक ना। तो कभी भी गैस बना करके पढ़ाई करने के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, और व्यवस्थित रूप से थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करके पढ़ लें, हैं तो इससे क्या होगा, आप सिक्योर रहोगे, नहीं तो कब आपका 1 साल 1.5 साल यूं ही चला जाएगा पता नहीं चलेगा, गैस बनाने के चक्कर में, सिक्योर सफलता के चक्कर में पता चला, क्योंकि किसी को पता नहीं है, कोई ये नहीं बता सकता कि हम बता रहे कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं बता सकता, यूपीएससी के अपने ऊपर है। हाँ, ट्रेंड आप पकड़ते हो, एक हद तक ट्रेंड एनालाइज करते हो, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन कभी भी यूपीएससी ट्रेंड सेट होने नहीं देती। लोग समझते हैं कि इस साल जो विषय चर्चा में है उसे पूछेगी, यूपीएससी जान गई कि इस साल के सारे टॉपिक आप क्लियर करके आए हो, वो 1 साल पुरानी वाली उठा के रख देती है। कभी यूपीएससी ट्रेंड सेट होने नहीं देती, अगर ट्रेंड सेट होता तो कुछ ही लोग ट्रेंड मास्टर पास होते, बाकी लोग फेल होते रहते, ठीक है, जो परिश्रमी होता है वही पास होता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है, मैट, वो देखिए, इसको हम जैसे बोल रहे हैं कि जीरो टैक्स कंपनी के ऊपर, शून्य कर कंपनी के ऊपर, उसके बुक प्रॉफिट का, उसके बुक प्रॉफिट पर, बुक प्रॉफिट के ऊपर जब शुरू में लगाया गया था तो 7.5% था, लेकिन आजकल इसका रेट बढ़कर कितना हो गया है, 18.5% हो गया। तो ठीक है, शून्य कर कंपनी के ऊपर बुक प्रॉफिट पर 18.5% की दर से यह टैक्स ली जाती है। टाइम तो ओवर हो गया है, टैक्स परसेंट रेट एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए एग्जाम्पल ये वाला इम्पॉर्टेंट हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट टैक्स की रेट घटा रही है, ठीक है, तो एक सुधार का ये विषय है, इसलिए यहाँ पर ये वाला थोड़ा जानना जरूरी है कि कितना परसेंट घटा दिया, क्या घटाने का ट्रेंड है, बहुत दिनों से कह रही थी तो अब जा कर के इस काम को किया है, लेकिन ये भी धीरे धीरे किया गया है, इसलिए थोड़ा ये रिफॉर्म का विषय है, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन लगता कहाँ पर है ये सब सिस्टम जानना जरूरी है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जरूर इसको जानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो जो कोई क्वेश्चन बनता है अगर हमें नहीं पता कि नेट और ग्रॉस में क्या अंतर है, तो बाई द वे हो सकता है कि मैं किसी क्वेश्चन का सही अर्थ न समझ पाऊँ और गलती हो जाए, इसीलिए सब किया जाता है, ठीक है। अबे हमको बताना है शून्य कर कंपनी किसे कहते हैं, बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं, कल मैं इसी के आगे बताऊंगा, टाइम ओवर हो चुका है, 7:05 हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा टैक्सेशन पार्ट 2, और कल यहां पर 10 मिनट का समय खर्च करके इनको जल्दी से बता करके आपको बताऊंगा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर, कल आप देखिएगा कैसे क्या होता है, व्यापक रूप से बताऊंगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा GST पर, आप अपने को मास्ट उसमें एक्सपर्ट समझेंगे, लगेगा कि हाँ मैं सारी विषयों को जानता हूँ, ठीक है, यानी GST के अंदर सारे टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच,
आज वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा ताकि मैं और ठीक कराने की कोशिश करूंगा। एक बार नीचे लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो ओके लिख दीजिएगा, मैं ओवर करता हूं।